SN लाइव सच सबसे आगे। सिवान पहुंचा एयरफोर्स जवान का पार्थिव शरीर, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई, गार्ड ऑफ ऑनर देकर हुआ अंतिम संस्कार। सिवान के गोरिया कोठी के दुधरा गांव निवासी एयरफोर्स के जवान उमेश कुमार पंडित का पठानकोट में तैनाती के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उमेश की निधन की सूचना पर गांव में मातम छा गया। उमेश कुमार पंडित को सैकड़ों की भीड़ ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। पठानकोट से पहुंचे एयरफोर्स के जवानों ने सैनिक को सलामी दी। मृतक उमेश कुमार पंडित अपने चार भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका इकलौता पुत्र 18 वर्षीय आदर्श कुमार है। वर्तमान में वह पठानकोट में तैनात थे। उनके निधन होने के बाद सूचना स्वजनों को दी गई, जिससे घर में मातम छा गया, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गोरियाकोटी के दुधरा गांव के रहने वाले शारदानंद पंडित का 29 वर्षीय पुत्र एयरफोर्स के जवान उमेश कुमार पंडित पिछले 4 सालों से लीवर कैंसर से पीड़ित थे। उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पठानकोट के किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका हृदय गति रुकने की वजह से मृत्यु हो गई। गुरुवार को विशेष विमान से रोहित का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा, जहां से उनके गांव लाया गया और गांव के शमशान घाट में एयरफोर्स स्टेशन से पहुंचे एयरफोर्स के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से जवान को सलामी देकर सैकड़ों की भीड़ ने अंतिम विदाई दी। बता दें कि उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ जैसे ही गांव में सीमावर्ती इलाके में पहुंचा, भारत माता की जयकार से पूरा इलाका गूंज उठा। बता दें कि पिता की मौत के बाद इकलौते पुत्र 18 वर्षीय आदर्श कुमार ने मुखाग्नि दिया, जबकि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SN लाइव न्यूज। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।